टिकटॉक नाम तो सुना ही होगा। भारत, अफगानिस्तान, ताइवान, ईरान और कुछ और देशों के बाद अब नेपाल ने भी इसको बैन कर दिया। अच्छा किया, क्योंकि टिकटॉक उस दीमक की तरह है जो धीरे धीरे किसी देश के लोगों के दिमाग को खा जाता है। ओह नो। क्योंकि आप कभी भी देखिए टिकटॉकर्स मेन है जो उनके पास, आपको लगे गौर से देखिएगा उनकी तरफ, उनके पास ना शरीर है और शरीर के ऊपर एक घड़े के आकार का सिर रखा हुआ है पर उसमें दिमाग नहीं है। क्योंकि अगर दिमाग हो तो वो ऐसी करतूतें नहीं करें कभी टिकटॉक पे। बोला आप मान के चलो कि अगर आपका देश एक मोबाइल है तो टिकटॉक उस मोबाइल को लगी हुई लूज मोशन जो उसको टिकने नहीं देती, इसलिए भटक के इधर उधर कुछ भी करता रहता है। सबसे पहले इसको भारत ने बैन किया था, तब से टिकटॉक की ग्रह दशा खराब हो गई। पर टिकटॉक का बेड़ा गर्क तब हुआ जब कैरी मिनाती ने इस पे बात की। वाओ, उसने टिकटॉक के पिछवाड़े में तेल लगा के नहीं देसी घी लगा के इसको ऐसा रोस्ट किया कि भारत सरकार ने प्रभावित होकर इसको बैन कर दिया। अभी आप टिकटॉक देखेंगे ना, सबसे ज्यादा छपरी लोग उस पे ही पाए जाते हैं, क्योंकि टिकटॉक पे पूजा हेगड़े और पूजा भट्ट की जगह ढिंचक पूजा ज्यादा चलती है। वहाँ सलमान खान की जगह KRK खान ज्यादा चलता है, क्योंकि टिकटॉक पे वीडियो वायरल होने के लिए हैंडसम नहीं बंदे का शुशुंदर होना ज्यादा जरूरी है। टिकटॉक चाइना ने बनाई है ना, अभी उधर का प्रेसिडेंट है जो शी जिनपिंग, उसने खुद टिकटॉक की वीडियोज कभी देखी नहीं है। जिस दिन वो देख लेगा ना, मैं कसम से बोलता हूँ शी जिनपिंग खुद शी शी करके अपने देश में भी उसको बैन कर देगा और बोलेगा सालो ये हमने क्या बनाया हुआ था। नेपाल के लोग वैसे भी मेहनती होते हैं, काम काज वाले, और टिकटॉक पे सब विले बंदे हैं, विलो बंदों का काम है टिकटॉक, इसलिए नेपाल में वो टिक नहीं पाई। जिन देशों ने भी टिकटॉक बैन की है, सबसे बड़ा रीज़न ये दिया है कि टिकटॉक के माध्यम से चाइना उस देश के लोगों का डाटा चुराता था, इन्फॉर्मेशन चुराता था। यार कमाल है चाइना वालों तुम्हारी जासूसी की, सदके जाऊँ तुम्हारे जासूसों के। सालों क्या चुरा रहे हो टिकटॉक से? तुम्हें क्या लगता है भी इंडिया ने इसरो पे टिकटॉक पे वीडियो डाली है कि मिसाइल कैसे बनाते हैं, ये चुराना था तुमने? क्या चुराना था टिकटॉक से? कैसे कैसे नमूने होते हैं, क्या चुराना क्या चाहते थे तुम? थाराभाई जोगिंदर की गालियाँ चुराना चाहते थे, या दीपक लाल की वाहियात बातें चुराना चाहते थे, या ढिंचक पूजा के गीत चुराना चाहते थे, क्या चुराना चाहते थे तुम? टिकटॉक बैन होने का एक रीज़न ये भी है कि टिकटॉक ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था यहाँ पर मूछों वाली लड़कियाँ और ठुमकों वाले लड़के ज़्यादा पाए जाते थे। वाओ। सो कुछ देशों ने सोचा कि इससे पहले कि ये प्रजाति अनगिनत संख्या में अनियमित तरीके से इसकी वृद्धि हो जाए, टिकटॉक बैन कर दो। चाइना वालों को मुझे समझ नहीं आती, उनकी खुद की आँखें सालों की बंद होने के कगार पे हैं, पर सबसे ज़्यादा विजुअल ऐप्स यही लोग बना रहे हैं।